नमस्कार दोस्तों, जानो और सीखो के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मोहित और आज हम जानेंगे ब्रोकर्स के बारे में, कितने तरह के ब्रोकर्स होते हैं, क्या क्या फीचर्स, क्या क्या सर्विसेज होते हैं और क्या आपको चूज़ करना चाहिए, क्या नहीं चूज़ करना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। उसके पहले अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारा एक बहुत ही बड़ा टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें ऑलमोस्ट 2300 सब्सक्राइबर्स हैं, मेंबर्स हैं। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं मार्केट अपडेट्स के लिए और हमारे पुराने वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। काफ़ी इंट्राडे और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे भी वीडियोस, स्ट्रेटजीज़ पे वीडियोस डाला हूँ मैं और मैं डालता रहूँगा आने वाले टाइम पे। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, आप हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस की ट्रेनिंग ऑलरेडी चल रही है और टेक्निकल एनालिसिस की ट्रेनिंग 16 सितंबर से स्टार्ट होने वाली है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं आपको टेक्निकल एनालिसिस अगर सीखनी है तो। ब्रोकर सबसे पहले इस वीडियो को शुरू करने के पहले हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं कि आखिर ये सब टर्म्स क्या होते हैं, ताकि जिनको आइडिया नहीं है वो उनको आइडिया लेने में आसानी होगी। तो सबसे पहले ब्रोकर क्या होता है? ब्रोकर एक्सचेंज का वो मेंबर होता है जो बाई और सेल करता है कोई भी शेयर या कोई भी स्टॉक हमारे बिहाफ पे। तो याद रखिए दोस्तों कि हम डायरेक्ट कभी भी NSE से या BSE से कोई शेयर नहीं खरीदते हैं, हम हमेशा ब्रोकर के थ्रू जाते हैं और ब्रोकर वो मेंबर होता है जो हमारे बिहाफ पे शेयर्स खरीदता है, ठीक है। अब डीमैट अकाउंट क्या होता है? डीमैट अकाउंट को समझने के लिए आप समझ लीजिए वो एक पर्स की तरह, एक वॉलेट की तरह है, जहाँ पे जैसे पर्स में आप अपने पैसे रखते हैं वैसे ही डीमैट अकाउंट वो पर्स है जिसमें आप अपने शेयर्स को रखते हैं एक डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में। तो इसीलिए डीमैट कम्स फ्रॉम डीमेटेरियलाइज्ड, तो मतलब कि वो डीमैट अकाउंट आपके शेयर्स को वर्चुअल फॉर्म में रखता है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूँ, हम ब्रोकर्स के थ्रू ही ट्रेड करते हैं। तो अब ब्रोकर्स कितने टाइप के होते हैं? तो आपने देखा होगा मार्केट में बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, रोज़ नए ब्रोकर्स आ रहे हैं, कुछ जा भी रहे हैं। तो बेसिकली दो तरह के ब्रोकर्स होते हैं, एक होते हैं फुल सर्विस ब्रोकर्स जो, और एक होते हैं डिस्काउंट ब्रोकर्स। तो फुल सर्विस ब्रोकर्स फॉर एग्जांपल ICICI डायरेक्ट ले लीजिए, HDFC सिक्योरिटीज़ ले लीजिए, एंजल ब्रोकिंग ले लीजिए, शेयर खान ले लीजिए, ये जो फुल सर्विस ब्रोकर्स या नॉर्मल ब्रोकर्स भी जिन्हें हम कहते हैं, वो क्या है कि वो ब्रोकर के साथ ही वो कई आपको एडिशनल फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करते हैं। तो नॉर्मल और फुल सर्विस का मतलब ये होता है वो कई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब बेसिक जो है कि वो आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट तो देंगे, एक डीमैट अकाउंट देंगे। ट्रेडिंग अकाउंट मतलब कि आपको बस बाई और उसी दिन सेल करना है। तो अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है और केवल ट्रेडिंग अकाउंट है, तब भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, बस आप शेयर्स की डिलीवरी नहीं ले सकते। आप केवल जो भी ले सकते हैं इंट्राडे में आपको स्क्वायर ऑफ करना है, नहीं तो आप फ्यूचर्स होल्ड कर सकते हैं। और अगर आपको डिलीवरी लेनी है, मतलब आपको वो जो शेयर्स है उसको आपके अकाउंट में चाहिए, तो उसके लिए आपको डीमैट अकाउंट की भी ज़रूरत पड़ती है। तो कोई भी ब्रोकर के साथ आपको दो अकाउंट खुलाना पड़ता है, पहला होता है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा होता है डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट तभी खुलाना है जब आपको शेयर्स की डिलीवरी लेनी है। अगर आपको नहीं लेनी है, बस आपको उसी दिन खरीद के उसी दिन बेच देना है, तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट से भी काम चल जाएगा। और इसके साथ ये जो फुल सर्विस ब्रोकर्स होते हैं वो कई आपको एडिशनल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि सबसे बड़ा सर्विसेज होता है इनका एडवाइजरी सर्विस। वो आपको एडवाइस करते हैं आपको कौन से स्टॉक सेलेक्ट करने हैं, कौन से बेचने हैं। उनका पर्सनल मैनेजर्स होते हैं, रिलेशनशिप मैनेजर्स जिनको कहते हैं, वो आपको फ़ोन करते हैं, वो आपको डिस्कस करेंगे आपके लिए एक अगर आपको नहीं आइडिया है तो आपके लिए वो एक पूरा गाइडलाइन और पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी भी तैयार करते हैं। ये सब भी उनके सर्विसेज का हिस्सा आता है। इसके साथ ही आप कई एडिशनल चीज़ जैसे IPO में अप्लाई करना हुआ, आपको टैक्स फ्री बॉन्ड्स खरीदने हो, और भी कई इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो उनके यहाँ मिलते हैं। तो ये जो फुल सर्विस ब्रोकर्स होते हैं ये आपको बहुत ही एडिशनल बेनिफिट्स देते हैं। केवल डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट नहीं देते हैं, वो कई चीज़ और भी देते हैं, जिसमें मेनली होता है कि वो पर्सनलाइज एडवाइजरी देते हैं। दूसरा कैटेगरी जो होता है वो ब्रोकर्स का होता है, फिर डिस्काउंट ब्रोकर्स होता है। डिस्काउंट ब्रोकर्स के लिए सैस ऑनलाइन हो गया, ज़ीरोधा हो गया, अपस्टॉक्स हो गया, ये सारे डिस्काउंट ब्रोकर्स होते हैं। डिस्काउंट ब्रोकर्स क्या होते हैं? वो ब्रोकर्स क्या होते हैं कि वो नो फ्रिल्स ब्रोकर होते हैं। उनका काम रहता है कि आप अपने खुद से एडवाइस से अपना खुद रिसर्च करके आप इन्वेस्ट कीजिए, हम आपको बस एक अच्छा ट्रेडिंग और डीमैट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे। तो जो ये डिस्काउंट ब्रोकर्स का होता है, इनका क्या रहता है मेन, कि ये आपको बस एक अच्छा टेक्नोलॉजी बेस्ड हाई स्पीड प्लेटफॉर्म देते हैं, जिससे आप खुद अपने आइडिया के, अपने लॉन्च के हिसाब से ट्रेडिंग और ये कर सकते हैं। साथ में इनका एडवाइजरी सर्विस ये सब वो नहीं प्रोवाइड करते हैं, कुछ एडिशनल फीचर्स में भी प्रोवाइड करते हैं। कई डिस्काउंट ब्रोकर्स तो म्यूचुअल फंड में भी नहीं अप्लाई करते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में अप्लाई करने के लिए ब्रोकर को एडिशनल रजिस्ट्रेशन करते हैं SEBI और NSE के साथ, जो इन लोग के साथ नहीं होता है। तो डिस्काउंट ब्रोकर्स कह लीजिए एक सस्ता वर्जन है जो आपको सारे फैसिलिटीज़, नॉर्मल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, बट वो एडिशनल चीज़ नहीं दें, उसके बदले में वो आपको ब्रोकरेज बहुत कम चार्ज करते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से कंपैरिजन करते हैं जो कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स पे कि फुल सर्विस और डिस्काउंट ब्रोकर्स में क्या क्या डिफरेंस होता है।
फुल सर्विस ब्रोकर्स में क्या है कि उनके अलग अलग शहरों में कई ब्रांचेज होते हैं, रिलेशनशिप मैनेजर्स होते हैं, लोग होते हैं, वर्कफोर्स होता है, तो इसीलिए उनको मतलब कि ब्रोकरेज ज़्यादा वो इसीलिए चार्ज करते हैं क्योंकि ऑफिस सेटअप करने के लिए, रिलेशनशिप मैनेजर की सैलरी देने के लिए, ये सब करने के लिए उन्हें पैसे चाहिए, तो वो जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो ब्रोकरेज से होता है बेसिकली। और ये जो डिस्काउंट ब्रोकर होते हैं, फॉर एग्जांपल आप ज़ीरोधा ले लीजिए, इनके ब्रांचेज ही बहुत कम है, रेयर ब्रांचेज बहुत, बेंगलुरु में एक सेंटर ब्रांच है, ऐसे ही मतलब अलग अलग जो डिस्काउंट ब्रोकर होते हैं बहुत कम ब्रांच होंगे या तो केवल एक ही ब्रांच होगा और पूरा ऑनलाइन होगा। तो यहाँ पे आपको कोई पर्सनल, तो इनका खर्चा, इनको ना स्पेस मेंटेन करना है, इनका वर्कफोर्स कम होता है, तो ये थोड़ा डिस्काउंट मॉडल पे चल सकते हैं, ठीक है। जो फुल सर्विस ब्रोकरेज होते हैं वो आपको एडवाइजरी और रिसर्च सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अभी आपको मैं आगे दिखाऊंगा, जैसे आईसीआईसीआई डायरेक्ट और ज़ीरोधा का एग्जांपल मैंने यहाँ दो लिया है, उन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है ये भी बताऊंगा। और जैसा कि मैंने बोला कि आपका जो डिस्काउंट ब्रोकर्स होते हैं वो केवल ब्रोकिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, एडवाइजरी सर्विस यूजुअली उनमें नहीं इंक्लूड होता है। फुल सर्विस ब्रोकर्स क्या है कि काफ़ी हाई मार्जिन प्रोवाइड करते हैं। मार्जिन मतलब आपके पास 1 लाख है तो वो ब्रोकर आपको टेम्प्रेरी उसको 20 टाइम्स दे देगा, आपका 20 लाख पैसा कर देगा। आप जो भी करेंगे ट्रेड 20 लाख से कर सकते हैं और जो भी आपका मुनाफा या नुकसान होगा वो आपके 1 लाख में ऐड हो जाएगा, या 1 लाख ओरिजिनल से जो ओरिजिनल आपका इन्वेस्टर उससे माइनस हो जाएगा या उससे ऐड हो जाएगा एंड ऑफ द डे, ठीक है। और उसके साथ ही वो कई और भी प्रोडक्ट्स देते हैं, बेटर कस्टमर इंगेजमेंट देते हैं, 3-in-1 अकाउंट्स देते हैं, मतलब कि आपका बैंक, आपका डीमैट ये सब लिंक है और ट्रेडिंग अकाउंट ये सब लिंक रहता है आपस में, तो आप उसी दिन सेम डे आपका पैसा आ जाता है बाहर, सेम डे आपका पैसा निकल जाता है, कभी भी आप कर सकते हैं। आईसीआईसीआई का 3-in-1 अकाउंट है, तो ये सब काफ़ी उनके बेनिफिट्स रहते हैं। और डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं तो थोड़ा कम मार्जिन देते हैं, वो स्टैंडर्ड मार्जिन देते हैं, और उनका जो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज होता है, मतलब आपका डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट दोनों के लिए साल में, साल भर उसको मेंटेन करने के लिए कुछ चार्जेस लेते हैं जो नॉर्मल ब्रोकर्स लेते हैं, जैसे कि आईसीआईसीआई हो गया, ये सब वो चार्जेस लेते हैं 300 रुपये साल का या 500 रुपये साल का, बट ये जो डिस्काउंट ब्रोकर्स होते हैं ये यूजली ये चार्जेस नहीं लेते हैं, ठीक है। और इन सब के जैसा मैंने बोला, जो भी एडिशनल सर्विस आपको मिल रही है शेयर खान से, आपको आईसीआईसीआई डायरेक्ट से, एक्सिस डायरेक्ट से, जहाँ से भी मिल रही है, उसके बदले में आपको एक हाई ब्रोकरेज देना है। तो मतलब आप चाहे उस प्रोडक्ट को यूज़ करें चाहे ना यूज़ करें, आपको ब्रोकरेज देना ही देना है। अब एग्जांपल ले लीजिए आईसीआई डायरेक्ट का, तो ये आप यहाँ देख सकते हैं आईसीआईसीआई डायरेक्ट का, जैसे ये उनका एक रिसर्च प्रोडक्ट्स का लिस्ट है, उसमें कई प्रोडक्ट्स आते हैं जो बिगनर्स, इन्वेस्टर्स, एक्टिव ट्रेडर्स सबके लिए अलग अलग, जैसे ओपनिंग बेल में वो सुबह एक नोट भेजते हैं सारे डे एक्टिविटीज़ के लिए, डेली कॉल्स भेजते हैं, डेरिवेटिव कॉल्स भेजते हैं, ऐसे उनका कई सेक्शन होता है जहाँ वो गेनर्स, लूजर्स और काफ़ी आप मतलब रिसर्च कर सकते हैं उनके पे, जैसे फॉर एग्जांपल फ्यूचर्स के लिए यहाँ आप इवेंट, फ्यूचर इवेंट्स, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, ओपन इंटरेस्ट वॉच, ये काफ़ी चीज़ें आपको हिट मैप हो गया, ये सब आपको वो प्रोडक्ट्स देते हैं जिनको आप अपना रिसर्च भी अच्छा कर सकते हैं और आपको रेडीमेड रिसर्च भी देते हैं, तो ये डिफरेंस आ जाता है जिसलिए वो एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करते हैं। चलिए आप क्विकली एक ब्रोकरेज कंपैरिजन ले लें, यहाँ पे एक ब्रोकरेज समझ लीजिए, ऊपर वाला जो हमारा कैलकुलेशन है वो ज़ीरोधा का है और नीचे वाला नॉर्मल आईसीआईसीआई डायरेक्ट का आप कह लीजिए, अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन है। तो अगर आप कोई भी इंट्राडे इक्विटी में बाई और सेल करते हैं, 1000 रुपीज़ पे लिया और 1101 पे बाई किया और उसका 400 क्वांटिटी था, तो आपका देखिए इतने इंट्राडे में इतने पूरा जो ब्रोकरेज पार्ट आता है वो केवल 40 रुपये आता है। तो ये जो STT है, ट्रांजैक्शन चार्ज है, GST है, SEBI चार्ज है, ये तो आपका एनीवेज लगेगा, आप किसी भी ब्रोकरेज में चला जाइए, इतना कंपोनेंट तो हर बार लगता ही लगता है क्योंकि ये गवर्नमेंट लेती है, ब्रोकरेज नहीं लेता, कि ये जो कंपोनेंट है ये इनका केवल 40 रुपीज़ हुआ इंट्राडे में। यही चीज़ अगर आप ICICI डायरेक्ट कंपेरिजन करेंगे तो सेम टर्नओवर पे ऑलमोस्ट उनका 0.05 पैसे लगता है, जो कि ऑलमोस्ट 1000 रुपीज़ आ जाएगा। तो ये डिफरेंस हो गया आपका, मतलब कि वो समझ लीजिए 960 रुपीज़ का सेव किया आपका डिस्काउंट ब्रोकरेज ने। ऐसे ही डिलीवरी में तो और महंगा होता है, डिलीवरी में क्या है कि उसमें ब्रोकरेज काफ़ी ज़्यादा लेते हैं ब्रोकर्स, 5 पैसा लेते हैं 1 लाख का, मतलब 1% ब्रोकरेज लेते हैं बाई सेल में। फॉर एग्जांपल ICICI डायरेक्ट 1% लेता है, और ऐसे ही गवर्नमेंट का STT भी चार्ज ज़्यादा होता है डिलीवरी पे। तो समझ लीजिए आपने सेम में इंट्राडे की जगह अगर डिलीवरी की होगी, 1000 क्वांटिटी कोई भी शेयर का बाई, 400 क्वांटिटी बाई किया होता 1000 रुपीज़ पे और सेल किया होता 1100 रुपीज़ पे, तो आपका टोटल ब्रोकरेज जो ये सब मिला के आपका देखिए यहाँ 840 STT पड़ रहा है, ट्रांजेक्शन चार्ज 23 ये पड़ रहा है, ये इतना जो है। और यहाँ ब्रोकरेज ज़ीरोधा का 0 रुपीज़ है, लेकिन यहाँ नॉर्मल अगर आपका कोई अकाउंट होता तो यहाँ पे काफ़ी हाई ब्रोकरेज देना पड़ता, क्योंकि 1% ऑलमोस्ट इसका टर्नओवर का आपका ब्रोकरेज लग जाता है। तो ये डिफरेंस होता है जो आपको बहुत ही महंगा पड़ता है ओवर द लॉन्ग टर्म। आप देखेंगे अगर डिलीवरी बेस्ड आप कर रहे हैं तो उसमें तो काफ़ी महंगा पड़ता है। सेम चीज़ आपका FNO में भी और ऑप्शन में भी है,
कि आपका जो ये ब्रोकरेज कंपोनेंट है वो बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है और वो सिग्निफिकेंट इफेक्ट डालता है जब आप कई उसको कंपैरिजन करते हैं। तो ये एडवांटेज देते हैं डिस्काउंट ब्रोकर्स लाइक ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स, जितने भी ब्रोकर्स हैं ये आपको एडवांटेज देते हैं उस चीज़ का। अब हम क्या लें, हम फुल सर्विस ब्रोकर लें या डिस्काउंट ब्रोकर लें, ये आ जाता है आपके ऊपर। तो आप देखिए फुल सर्विस ब्रोकर्स हैं उनको वो किसके लिए सूटेबल होते हैं, वो उनके लिए सूटेबल होते हैं वो इन्वेस्टर्स के लिए जो बहुत कम ट्रेड करते हैं। जैसे उन्होंने आज शेयर लिया, अब वो 4 साल 5 साल तक वेट करेंगे तो उन्हें एक बहुत ही हाई डिपेंडेबल प्लेटफॉर्म चाहिए जो काफ़ी इस्टेब्लिश्ड हो, बहुत पुराना प्लेयर हो और उसमें काफ़ी फैसिलिटीज़ हो, वो एक पॉइंट से वॉच कर सके हर चीज़। तो ये सब आपको सर्विसेज चाहिए। आप रेयर इन्वेस्ट करते हैं, आप इन्वेस्टर हैं ना कि ट्रेडर हैं, आप बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट ट्रेड्स करते हैं, तो आप फुल सर्विस ब्रोकर्स के साथ जा सकते हैं क्योंकि आपका 5 साल में बस एक बार लगेगा ब्रोकरेज लगेगा और आपका रिटर्न आप एज्यूम करते हो कि मुझे 5 साल में 100% रिटर्न मिल जाएगा, तो आपका ब्रोकरेज से कंपेयर कुछ है नहीं, ठीक है। और जिनको IPO लेना है और अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करना है जैसे टैक्स फ्री बॉन्ड्स जो आते हैं या और भी तरह के जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके लिए ये ज़्यादा सूटेड है क्योंकि डिस्काउंट ब्रोकर्स यूजुअली ये सब जो डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स हैं वो नहीं करते। फॉर एग्जांपल ऐसे ऐसे डायरेक्ट आपको इंश्योरेंस प्रोडक्ट भी साथ में, वहीं से आप इंश्योरेंस भी हर चीज़ हर उनके होम लोन हर चीज़ बुक कर सकते हैं उन्हीं एक प्लेटफॉर्म के ऊपर से, तो वो एक वन प्लेस फॉर एवरीथिंग टाइप का हो गया, ठीक है। और जो डिपेंडेंट है लोग एडवाइजरी सर्विस पे, आपको अपना रिसर्च नहीं पता, आप दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो आप इसको ले सकते हैं फुल सर्विस को ताकि वो आपको रिसर्च प्रोवाइड करें और उसके हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकें। ऐसे ही डिस्काउंट ब्रोकरेज उसके लिए जो मैक्सिमम ज़्यादा ट्रेड करते हैं हाई फ्रिक्वेंसी और लेस मार्जिन ट्रेड करते हैं, मतलब उनका 1 रुपये भी फायदा हो रहा है तो बेच के निकल लेंगे और अपने प्रॉफिट को बुक कर लेंगे क्योंकि ब्रोकरेज उनका इतना कम है कि उनका जो सेट ऑफ होता है वो 0.1 रुपीज़ 0.2 रुपीज़ पे ही उनका सब ब्रोकरेज टैक्स मिटा के उसके ऊपर का सब प्रॉफिट हो जाता है। तो यूजली लोग डिस्काउंट ब्रोकर जो ज़्यादा फ्रिक्वेंसी ट्रेड करते हैं और छोटे मार्जिन पे ही बुक करके प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, उनके लिए डिस्काउंट ब्रोकर काफ़ी अच्छा होता है। और इसमें डू इट योरसेल्फ है पूरा, तो आपको मतलब अपना ही एनालिसिस करके अपना रिसर्च करके पूरा लेना है। तो अगर आप ऐसा कर सकते हैं आप डिस्काउंट ब्रोकर यूज़ कर सकते हैं और आप काफ़ी ब्रोकरेज सेव करेंगे। ये तो हो गया आपका पूरा दोनों में आपको कौन सा ब्रोकर लेना चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है क्या डिस्काउंट ब्रोकर सेफ़ हैं, सारे डिस्काउंट ब्रोकर्स जो होते हैं वो रजिस्टर्ड मेंबर्स होते हैं एक्सचेंज और सेबी का, तो वो ऑलमोस्ट सेफ होते हैं। और उसमें भी डिस्काउंट ब्रोकर्स में भी काफ़ी जो ब्रोकर्स हैं, ज़ीरोधा 7 ईयर्स ऑलमोस्ट हो गया है मार्केट में, और भी ये अपस्टॉक्स भी काफ़ी अच्छा ब्रोकर है, तो मतलब ये सब जो ब्रोकर्स हैं वो काफ़ी टाइम से मार्केट में हैं और वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। और पहली बात कि ये रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं एक्सचेंज और सेबी के, तो एक्सचेंज और सेबी ने बिना कोई ड्यू डिलीजेंस के या बिना कुछ रिस्ट्रिक्शन के तो इनको अपना मेंबर नहीं बना लिया, उनके भी उन पर पूरी वॉच है, वो पूरा अपना डिटेल में इन पर नज़र रखे रहते हैं, तो आपको इस बात पे घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका पैसा लेके भाग जाएंगे, ठीक है। सेबी उसको वॉच कर रहा है, वो उसको देख रहा है, और आपको एहतियातन और कुछ ज़्यादा अलर्ट होना है तो आप उस ब्रोकर का क्लीन रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं और वो देख सकते हैं कि वो किसी पास्ट में किसी स्कैम से जुड़ा तो नहीं है। आप ये देख सकते हैं सेबी की वेबसाइट पे और उनके जो आपका उन जो आपका ब्रोकर्स हैं इन ब्रोकर्स के अगेंस्ट में जो ट्रेंड है, जो भी कंप्लेंट्स हो रहे हैं, क्या इनके खिलाफ कंप्लेंट बढ़ते जा रहे हैं ओवर द टाइम, या ये आप सेबी और NSE एक्सचेंज से पता कर सकते हैं और उसके हिसाब से आप अपने ब्रोकर का चयन कर सकते हैं। तो ये डिस्काउंट ब्रोकर्स जो उसमें अच्छे होते हैं, जो टॉप 3-4 हैं, वो काफ़ी सेफ हैं, ऐसा कुछ नहीं है उसमें सेफ्टी का आप खतरा है आपका पैसा लेके भाग जा रहे हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी सेबी के अंडर में आते हैं, सेबी इन पे वॉच रखा हुआ है और सेबी ने सब वेरिफिकेशन करने के बाद ही इनको मेंबरशिप और रजिस्ट्रेशन दिया है। आप सब ब्रोकर से दूर रहिए, मतलब कुछ लोग होते हैं कि किसी छोटे से सिटी में एक छोटा सा टर्मिनल खोल लिया, वो रजिस्टर्ड मेंबर भी नहीं है, वो अपना खुद का कुछ प्राइवेट कर रहे हैं, ऐसे लोग से दूर रहिए। केवल आप उसके सेबी जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है उस स्टॉक ब्रोकर का, उसको वेरीफाई कीजिए, देखिए कि वो एक फुल टाइम रजिस्टर्ड ब्रोकर है सेबी का, तभी आप उसका अकाउंट लीजिए, ठीक है। तो ये तो दोस्तों एक क्विक कंपैरिजन सारा ब्रोकरेज के बारे में, आपको क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। मैं अपनी बात करूं तो मेरे पास ICICI डायरेक्ट का भी अकाउंट है, मेरे पास ज़ीरोधा के अकाउंट है, मैं ICICI डायरेक्ट के अकाउंट को बस साल भर मेंटेन करता रहता हूं, उसमें ट्रेड बहुत कम करता हूं, उससे सारे रिसर्च, उनके काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, एनालिसिस में काफ़ी काम आते हैं, उनके एडवाइजरी सर्विस के जो स्टॉक्स होते हैं उनको भी मैं उठाता हूँ, मतलब उन पर एनालिसिस करता हूँ। तो आप दोनों अकाउंट रख सकते हैं, आप ट्रेड कीजिए भले ही अपने डिस्काउंट ब्रोकर अकाउंट से, आप एडवाइजरी सर्विस के लिए आप अपना
कोई भी नॉर्मल ब्रोकर का अकाउंट ले सकते हैं, उससे सर्विसेज उसकी ले सकते हैं। उसके बदले में आपको साल का वही जो 700-600 रुपए लगेगा आपका, जो आपका मेंटेनेंस चार्ज होगा वो आपको बस देना पड़ेगा। तो उतना तो अगर आप अच्छी दोनों चीज़ आप बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स लेना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो ये तो होता दोस्तों सारा ब्रोकर्स के बारे में क्या नहीं होते हैं। आप होप इससे आपको काफ़ी नॉलेज होगा, आप अपने ब्रोकर का इससे चयन कर सकते हैं। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।